प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को डोडा जिला के नेताओं व जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुलाकात की और उनसे क्षेत्रीय समस्याओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। ये पहली बार था जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जम्मू स्थित निवास पर डोडा जिले के सभी मंडल व मोर्चा प्रधान एक साथ मौजूद रहे थे और सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह से रूबरू हुए। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार व डोडा के जिला अध्यक्ष विजय मोहन ने भी जिले की कुछ समस्याओं को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने रखा। डोडा जिले के कार्यकर्ता भी इस वर्चुअल बैठक को लेकर काफी उत्साहित थे और उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काफी धैर्य के साथ सबकी बात सुनी और तमाम समस्याओं का निवारण करने का विश्वास दिलाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबकी चिंता है और उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र दिया है, जिसे लेकर वे भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भविष्य में भी इस तरह की बैठकें कर क्षेत्रीय समस्याओं को जानने के प्रयास जारी रखने की बात भी कही। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हमारे लोकप्रिय नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऑफिस में जिला डोडा के सभी जो है मंडलों के अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्ष को यहां पे बुलाया था और उनके साथ में जो हमारे वहां के एमएलए हैं, एक्स एमएलए रहे हैं, जो है दलीप सिंह परिहार जी, इनको भी बुलाया था। और डायरेक्ट डॉक्टर साहब ने जो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बात करी, उनकी मंडलों में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं वो सुनी। और जो है सभी कार्यकर्ता और मंडलों के अध्यक्ष जो इस बात से खुश हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता जो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें बुलाया और हमारी बातें सुनी। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि जो ग्राउंड पे काम करते हैं कार्यकर्ता, उनको सुना गया है और उनकी परेशानियों को बिल्कुल बारीकी समझा है। तो डॉक्टर साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि जो भी मंडल की जनवन डिमांड्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता, सभी जिला डोडा के प्रमुख लोग जो हैं, इनको एक बूस्ट मिला है, इनको एक प्रेरणा मिली है और डॉक्टर साहब ने इनको एक जो मार्गदर्शन दिया है कि आप अपने अपने एरिया में जो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। आपकी परेशानी डॉक्टर साहब की परेशानी है, आपकी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी परेशानी है, अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की परेशानी है। ये सभी विश्वास दिलाया है, हम धन्यवादी हैं डॉक्टर साहब के कि जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से आज बात की। सर, आज हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को कि जिन्होंने हमें आज अपने ऑफिस में बुला के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और बड़े विस्तार से मंडल अध्यक्षों की और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की बात सुनी। और हमारे जो मेन ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे थे, एजुकेशन का था, बिजली का था, पीएचई का था, बड़े विस्तार से डॉक्टर साहब ने हमारे जो मुद्दे वो सुने। और हम डॉक्टर साहब को फिर धन्यवाद देते हैं अपनी तरफ से कि आज पहली बार जो कदम डॉक्टर साहब ने यहां जम्मू कश्मीर में जिला डोडा से अपनी उठाया, जो हमारे जिला को पहला मौका दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जितने भी मुद्दे हैं ग्राउंड लेवल के उन्होंने उठाया, हम अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को फिर धन्यवाद देते हैं और अपनी आवाम की तरफ से फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे विजय मोहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आज यहां हमें जम्मू में बुला के डॉक्टर साहब के ऑफिस में रेजिडेंस पे बुला के उनसे रूबरू करवाया और हमने अपने जो है कई मुद्दे उनके समक्ष रखे, जिससे उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि हम इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे और आगे भी इस तरह से हमसे बात करते रहेंगे। ये पहली बार इस पार्टी में पहली बार एक जो जिला डोडा के कार्यकर्ता या जितने भी ग्राउंड लेवल पे वर्कर जो है उनके यहाँ ऑफिस में आकर उनसे रूबरू है, बहुत अच्छा लगा। और हम एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से और बारीकी से हमारे मसले सुने और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इनको हल करेंगे। आज हमारे जिला प्रधान विजय मोहन ठाकुर जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ जी, इनके साथ
हमारे जितने भी जिला के मंडल प्रधान हैं वो सारे बुलाए थे और उनके साथ मोर्चों के जो प्रधान हैं वो बुलाए थे। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज हमें टाइम दिया था, ये सारे लोग यहां आए और ग्राउंड लेवल पे जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट दिए, जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए उनके बारे में उन्होंने पूछा कि जो जो प्रोजेक्ट रुके पड़े उनका उन्होंने सब लोगों ने बताया है। ग्राउंड लेवल पे जो भी काम हो रहे हैं वो सारे बताए और जो रहे हैं बकाया उनका भी दिया। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 156 स्कीमें जो लॉन्च की हैं, और डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे उनको पहुंचाया है, और हमारे वर्कर इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर हमारे जिला प्रधान विजय मोहन शर्मा जी जिस तरीके से, उज्जवल ठाकुर जी जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और आज सारे मंडल प्रधान हमारे जनरल सेक्रेटरी और मोर्चों के प्रधान जो हैं वो यहां आज ये अपने डॉक्टर जितेंद्र जी के ऑफिस में आए और यहां उनसे बातचीत की और बहुत अच्छा लगा। मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, और हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं और उनका निपटारा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करते। बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे छत्रगला जो बसोली बनी, छत्रगला टनल जो है वो भारतमाला में सेंक्शन करवाया, हमारी भद्रवाह से और चंबा के लिए जो नेशनल हाईवे है 4 लेन वाली वो सेंक्शन करवाई। इसके अलावा ठाठरी हिमाचल प्रदेश वाया कहलजुगासर कल्होत्राम जो रोड है नेशनल हाईवे जो है उसको सेंक्शन करवाया। इसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें जैसे हमारा गंडोला है 375 करोड़ का जो भद्रवाह में मुठोला से और क्या कहते हैं ऊपर सिंहधार को लगेगा, उससे टूरिस्ट इतना आएगा, टूरिस्ट को फायदा होगा और टूरिज्म इतना बढ़ेगा, हमारे दुकानदारों को फायदा होगा, हमारे ठेकेदारों को फायदा होगा, हमारे लोगों को फायदा होगा। बहुत सारे काम किए हैं और जो को बकाया रहे हैं, जिस तरीके से हमारे अभी कुछ प्रधान थे मंडल प्रधान जिन्होंने कहा, हकीकत बात है कि पहले क्या होता था कि हाई सेकेंडरी में कंटीन्यूअल बेस पे लोगों को लगाया जाता, ढाक पे लोगों को लगाया जाता था और उससे वो लेक्चरार जो थे उनकी कमी दूर होती थी, लेकिन इस बार वो बंद है जिसके कारण हमारे पहाड़ों में जो बच्चे हैं उनको परेशानी आ रही थी। वो सारी जो दास्तां है वो हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की है और उन्होंने विश्वास दिलाया हमें कि ये सारे आपकी जो भी डिमांडें हैं इनको हम पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद जय भारत। आज हम देखा अपना कहते हैं गांधीनगर में हमारे माननीय MOS डॉक्टर जितेंद्र जी के ऑफिस में एक बैठक हमारे जिला प्रधान ने आयोजित की गई थी। इसमें जितने भी हमारे इश्यूज थे जिला डोडा के छोटे छोटे इश्यूज थे बड़ी बारीकी से डॉक्टर साहब ने सुने और आश्वासन दिया कि हम इनका निवारण करेंगे, इनका जो है इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने उनको बहुत हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो भद्रवाह के लिए जो लेवेंडर की जो खेती वहां कर शुरू करवाई और आज वो पूरे हिन्दुस्तान में जो उसका नाम जो है भद्रवाह का उस लेवेंडर के नाम से आज भद्रवाह को जाना जाता है। ये एक लेवेंडर वैली के नाम से भी है उसको, क्योंकि एक टूरिज्म के हिसाब से तो था ही नाम उसका, लेकिन अब लेवेंडर के नाम से भी भद्रवाह वैली को जाना जा रहा है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे वहां SDH में जो डॉक्टर्स की कमी थी या डायलिसिस सेंटर जो वहां के लिए हमने उनसे डिमांड की है कि भद्रवाह में एक डायलिसिस सेंटर जो SDH भद्रवाह में दिया जाए, उसके लिए भी उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि वहां जल्दी से जल्दी इसके लिए भी करेंगे। और बाकी जितने हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसके बारे में हमने उनसे बात की और हम इसके लिए अपने जिला प्रधान और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने समय दिया हमको। और पहली बार ऐसा हुआ कि डोडा जिला के कार्यकर्ताओं को रूबरू डॉक्टर साहब जो हुए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हमारे वहां पर विजिट करेंगे और वहां पर भी कार्यकर्ताओं से बैठेंगे और मिलेंगे। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। आज मैं अपने आपको खुशकिस्मत समझता हूं कि आपने लोगों की प्रेजेंटेशन लेके हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय मोहन ठाकुर जी की कयादत में और अपने XMLA दिलीप सिंह परिहार साहब की कयादत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के कार्यकर्ता हैं पार्टी के जो बुनियाद के साथ ग्राउंड लेवल के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब ने स्कीम पर स्कीम हमारे साथ डिस्कस किया और हमें बहुत खुशी हुई कि जो चीज़ जो स्कीमें जो फीडबैक हमने उनको दिया और हमने ये भी कहा कि एज ऑन डेट लोगों में ये है कि यहाँ पे इस वक्त आज की डेट में चाहे LG का शासन है
लेकिन जनता इस चीज को मानती नहीं है। जनता ये कहती है कि यह डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का राज है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि है नहीं। तो हमने डॉक्टर साहब को बोला कि मैंने कहा ये चीजें, और डॉक्टर साहब ने विश्वास दिलवाया और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी को कहा कि जो भी लोगों के मुद्दे हैं आप डायरेक्ट डीसी और एसएसपी के पास जाए, अगर आपका कोई नहीं सुनेगा आप मुझे अप्रोच कीजिए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक्स एमएलए दिलीप सिंह परिहार साहब और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं इनकी कयादत में एक एक बात को सुना जाएगा और लोगों की हर डिमांड को पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी हमें खुशी ये हुई कि डॉक्टर साहब ने हमें पूरा विश्वास दिया कि एक रात में ठाठी गांव बंगला में काटूंगा और हाँ कॉमन ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनसे बात करूंगा, भगवा में बैठूंगा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के दूर दराज इलाके हैं उनमें हर जगह में एक एक रात काटूंगा। इस आने वाले वक्त में मैं डॉक्टर साहब का और अपने लीडरों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जय। मैं सबसे पहले अपने विजय मोहन जी ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के इस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और इनके साथ जो हमारे एक्स एमएलए दलीप सिंह परिहार जी हैं, इनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भी जिस तरीके से हमारे गुज्जर तबका को, खासकर एसटी को बढ़ावा और इनकी मदद शुरू की है, क्योंकि हमारे ट्राइबल का जो भी लोग होते थे उनको हर पैसे पहले जितनी भी पार्टियां में वो शामिल रहे या जिस पार्टी में रहे उनको वोट के तौर पर इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रू किया। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस वक्त हमारी बीजेपी पार्टी के आला अहदेदार जो है इन्होंने हमें उतनी इज्जत दी जितनी अपने आप की इज्जत या पार्टी इनकी इज्जत इनको पार्टी ने इज्जत दी, इतनी इज्जत दी। और मैं आज डॉक्टर जितेंद्र साहब का बहुत ही मशहूर हूं क्योंकि उन्होंने हमारे जो भी डिमांडें थी वो पूरी गौर से और दिलचस्पी से सुनी और हमें यकीन और भरोसा दिया, क्योंकि ट्राइबल एरिया में डोडा के अंदर बहुत सारी कमियां थी और वो उन्होंने दूर करने की यकीन दिलाया। और खासकर क्योंकि इस वक्त गर्मी का सीजन है, हमारे खाना बदोश लोग गुज्जर बकरवाल जो थे ये पहाड़ों में बसर होते हैं तो वहां पुलों की जरूरत थी, वहां उनको राशन की जरूरत थी, कहीं वो गुज्जर बकरवाल हॉस्टल की डिमांड जो भी हमने रखी वो सारी उन्होंने यकीन दिलाया। और मैं यही थी उनका भी मशहूर हूँ और पार्टी का भी मशहूर हूँ और सबका मशहूर हूँ। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिंदाबाद रविंदर रैना जी, जिंदाबाद रविंदर रैना जी, जिंदाबाद रविंदर रैना जी, जिंदाबाद।